नमस्कार स्टूडेंट्स, देखिएगा कल अपना बहुपद का 2.2 क्लियर हो चुका है और फिर भी किसी बच्चे को डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना। आज अपन स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.3 और 2.3 का आपका पहला प्रश्न है एक्स की पावर 3 प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स प्लस 1 को निम्न से भाग देने पर शेष फल ज्ञात कीजिए। किससे भाग देने पर? एक्स प्लस 1 से। इसकी दो विधियां हैं, दोनों में से आपको जो अच्छे लगे उससे करना, बट मैं करवा देता हूं। आपका प्रश्न है बहुपद, पहले तो मैं भाग वाला आपको बता देता हूं आसान सा। देखिएगा अगर हम 5 को 2 से भाग दे रहा हूं, ध्यान से सुनना, 5 को किससे भाग दिया? 2 से, तो 2 दूनी 4 और कितना बच गया? 1। बेटा इस 5 को क्या बोलेंगे? ये 5 आपका है भाज्य और ये 2 है वो क्या है आपका भाजक, और ये 2 है ये क्या है भागफल, और जो आपका ये 1 है वो क्या होगा शेषफल। ये आपका भाज्य, ये क्या होता है भाजक, ये क्या होता है भागफल, और ये क्या होता है शेषफल। अब बेटा देखिएगा 5 किसके बराबर होगा? 2 दूनी 4 प्लस में 1, 5 इसके बराबर होगा कि नहीं? मतलब आपकी विभाजन एल्गोरिथम थ्योरम है जो कि आप 10th क्लास में भी पढ़ोगे, क्या है कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस में शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस में शेषफल। अब बेटा देखिएगा इस भाज्य को तो लिखा जाता है पी ऑफ एक्स से, इस भाजक को लिखा जाता है जी ऑफ एक्स से, और इसको लिखा जाता है क्यू ऑफ एक्स से, और इसको लिखा जाता है आर ऑफ एक्स से। मतलब कि पी ऑफ एक्स किसके बराबर होता है? जी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स। इसको आप है ना नोट लगा के ये लिख लीजिएगा कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। मतलब पी ऑफ एक्स बराबर है जी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस में आर ऑफ एक्स। अब मैं आपको बताता हूं, आपको पी ऑफ एक्स कितना दिया गया है पहले प्रश्न में, देखिएगा पी ऑफ एक्स आपका है एक्स की पावर 3 प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स प्लस में 1, और जी ऑफ एक्स किससे भाग देने पर? एक्स प्लस 1 से। इस बहुपद को इस बहुपद से भाग देने पर शेषफल क्या रहेगा? मतलब अपने को क्या निकालना है शेषफल, शेषफल का मतलब क्या निकालना है? आर ऑफ एक्स। अब बेटा देखिए जी ऑफ एक्स कितना है आपका यहां पहले क्वेश्चन में? एक्स प्लस 1। अब मैं भाग देऊंगा एक्स की पावर 3 प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस में 3 एक्स प्लस में 1, इससे मैं भाग देऊंगा, और किससे भाग दे रहा हूं? एक्स प्लस 1 से। अब आप बेटा इससे भाग दूंगा, यहां एक्स की पावर कितनी है 3 और यहां एक्स की पावर कितनी है 1, कितनी पावर चाहिए 2, तो मैंने गुणा किया एक्स की पावर 2 से, एक्स की पावर 2 को एक्स से गुणा किया, एक्स की पावर कितनी आ गई 3, बीच में साइन किसका है प्लस, एक्स की पावर 2 को 1 से गुणा किया तो कितना आ गया आपका एक्स की पावर 2। देखो एक्स की पावर 3 है या एक्स की पावर कितनी है 1 है, तो गुणा किससे किया मैंने? एक्स की पावर 2 से, ताकि तभी तो कटेगा ना। अब माइनस कर रहे हैं तो साइन क्या हो गया इनका चेंज। अब आप बेटा देखिए एक्स की पावर 3 से एक्स की पावर 3 क्या होगी कैंसल, और यहां 3 एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर गया, कितना बच गया 2 एक्स स्क्वायर, और प्लस का 3 एक्स प्लस का 1।
अब यहां x की पावर कितनी, एक, यहां कितनी, दो, एक तो अपने को x चाहिए और साथ में कितना चाहिए, दो, तो प्लस के दो एक्स से फिर गुणा किया मैंने, दो एक्स को x से किया कितना आ गया, दो एक्स स्क्वायर, साइन बीच में क्या है प्लस का, दो एक्स को एक से गुणा किया क्या आ गया, दो एक्स, माइनस कर रहे हैं तो माइनस साइन का हो जाएगा। अब बताएं ये भी कट गया, क्या बचे, तीन एक्स में से दो एक्स गया बेटा x, और प्लस में कितना है एक, x प्लस एक को x प्लस एक दोनों सेम ही है ना, तो प्लस एक से गुणा कर दिया तो आपका कितना आ गया x प्लस एक, साइन क्या हो गए चेंज, बच गया कितना जीरो, तो बोलिएगा शेषफल कितना है जीरो। एक तो आपका ये है, आप सीधा ही क्या दोगे भाग दोगे, p ऑफ x को g ऑफ x से भाग दोगे तो आपका ये आ जाएगा, क्योंकि भाज्य बराबर क्या होता है भाजक गुणा भागफल प्लस है शेषफल। यहां भागफल बोलो कितना है, q ऑफ x अगर पूछा हुआ होता ना तो आपका कितना आता एक्स स्क्वायर प्लस दो एक्स प्लस एक। एक तो आपकी ये विधि है, इसको आप, आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को फिर से रिपीट कर लेना बेटा। और दूसरी विधि है मेरे हिसाब से आपके लिए ये सही रहेगी, दूसरा देखिएगा, अपने को शेषफल ज्ञात करना है, दूसरी विधि देखिए, सारे क्वेश्चन उसी भी इसी विधि से करेंगे जो मैं अभी करवा रहा हूं। मैंने भाग वाला थोड़ा समझा दिया ताकि आपको कोई डाउट ना हो, आप ऐसे मत सोचो कि भाग नहीं दिया सर ने। अब देखो दूसरा, p ऑफ x आपका ये है, g ऑफ x आपका ये है, तो आपको क्या ज्ञात करना है शेषफल, तो मैं क्या लिखूंगा, माना x प्लस वन बराबर है जीरो, मैंने x प्लस वन बराबर क्या मान लिया जीरो, इसको हल करूंगा तो x इस एक को इधर ले गया तो क्या आ गया माइनस वन, ठीक है, x का मान इसको मैं समीकरण एक लिख देता हूं सभी में, x का मान समीकरण एक में रखने पर, जहां भी x है वहां एक रख देंगे, माइनस का x का मान समीकरण एक में रखने पर x का मान कितना है माइनस वन, तो जहां भी x है वहां क्या रखा माइनस वन, तो माइनस वन की पावर तीन प्लस तीन इंटू माइनस वन की स्क्वायर प्लस तीन इंटू माइनस वन प्लस का वन, जहां भी x है वहां मैंने क्या रख दिया बेटा माइनस वन, तो माइनस वन की पावर तीन मतलब माइनस वन कितनी बार गुणा हो रहा है तीन बार, तो आपका सीधा सही है माइनस वन आ गया, और प्लस में माइनस वन की स्केयर घात समय की विषम समय, तो माइनस वन इंटू माइनस वन कितना होता है वन, तो आ गया तीन गुणा एक, और अब देखो प्लस इंटू माइनस क्या हो गया माइनस, और प्लस का कितना आ गया एक। अब बेटा आप जानते हो ना कि प्लस को अगर प्लस से गुणा करोगे तो क्या आएगा प्लस, प्लस को माइनस से करोगे तो क्या आएगा माइनस, माइनस को प्लस से करोगे तो क्या आएगा माइनस, माइनस को माइनस से करोगे तो क्या आएगा प्लस। अब यहां देखिए तीन एकम तीन, तीन और एक चार, चार ही तो प्लस के हैं और तीन और एक है चार, चार ही माइनस के हैं, शेषफल कितना आ रहा है शून्य। उस विधि से किया तो भी शून्य आया, इस विधि से किया तो भी शून्य आया, आपके लिए ये विधि अच्छी रहेगी। आप सबसे पहले क्या करोगे, माना x प्लस वन इज इक्वल टू क्या है जीरो, x प्लस एक को किसके बराबर रख लिया जीरो के बराबर रख लिया, तब x का मान कितना आ गया माइनस वन आ गया, तो x का मान समीकरण एक में रखने पर, फिर आपने एक मान रखा तो आपकी वैल्यू ये आ गई। अब दूसरा देखना बेटा, इसी प्रकार माना x माइनस एक बटा दो बराबर क्या है जीरो, तो x बराबर कितना आ गया बेटा एक बटा दो, अब x का मान समीकरण किस में रखने पर एक में रखने पर, x का मान समीकरण एक में रखने पर, अब देखो बेटा x की जगह मैं क्या रखूंगा एक बटा दो, एक बटा दो बराबर है एक बटा दो की पावर तीन, तीन इंटू
एक बटा दो की पावर दो प्लस तीन इंटू एक बटा दो और प्लस में एक। जहां भी x है वहां बेटा मैंने क्या रख दिया, एक बटा दो, और पावर कितनी है भाई, तीन है। अब यहां देखिए, एक की पावर तीन एक होती है, दो की पावर तीन आठ होती है, एक की पावर एक होती है, दो की पावर दो चार होती है, तीन एकम तीन, तीन बटे में कितना आ गया दो, और प्लस में कितना है बेटा एक। सभी में देखिएगा, यहां x का मान एक बटा दो है, x का मान कितना है एक बटा दो, तो जहां भी x है वहां एक बटा दो रख दिया। अब आगे आप देखिए बेटा, एक बटा आठ प्लस तीन एकम तीन, तीन बटा चार प्लस तीन बटा दो प्लस एक बटा एक, एलसीएम कितना आ गया बेटा आठ, आठ एकम आठ, एक एकम एक, चार दूनी आठ, दो तीये छः, दो चौके आठ, चार तीये बारह, और एक आठे आठ, आठ एकम आठ, आपका आ गया बेटा बारह और आठ बीस, और छः छब्बीस, और एक सताइस, सताइस बटे में आठ। आपका आंसर कितना आ गया, सताइस बटे में आठ। अगर मिश्र भिन्न में चेंज करोगे, आठ तीये चौबीस, चौबीस और तीन सत्ताईस बटे में आठ, तीन से ही तीन बटा आठ भी आ सकता है, आठ तीय चौबीस, चौबीस और तीन कितना होता है सत्ताईस, सत्ताईस बटे में कितना आ गया आठ। वो आपकी मर्जी है, ये भी आंसर आपका सही है। अब देखो दूसरा, पी ऑफ एक्स आपका ये है, मना दूसरा देखो, एक्स माइनस एक बटा दो दिया गया, तो मना एक्स माइनस एक बटा दो बराबर जीरो है, तो x बराबर कितना आ गया, इधर ले आया तो माइनस से क्या हो गया प्लस। फिर जहां भी समीकरण एक में x है वहां मैंने एक बटा दो रख लिया, एक बटा दो देखो, यहां एक बटा दो की पावर तीन, एक बटा दो की पावर दो, एक बटा दो की पावर एक। अब एक बटा दो की पावर तीन का मतलब हो गया एक बटा आठ, और यहां आ गया एक बटे चार, एक बटे में दो और प्लस में एक। अब इसको सोल्व किया तो आपका ये आता है, उसके बाद यहां सोल्व कर लिया और यहां एलसीएम कितना आया बेटा आठ, इसको हल किया तो आपका आया सताइस बटे आठ। एलसीएम लेना तो आपको अच्छे से आता होगा, ये वाला तरीका सही है ना। अब देखो इसी का तीसरा प्रश्न, सेम एकदम ऐसे ही होंगे सारे के सारे क्वेश्चन, वो वाली विधि भी अच्छी है, बट यहां पाई का मान दे दिया बेटा, आप बाईस बटे सात रखोगे दिक्कतें आएगी, इसलिए ये वाली विधि अच्छी रहेगी आपके लिए। अगर उस विधि से कोई प्रश्न होगा तो मैं साथ साथ करवाता रहूंगा, ठीक है। अब देखो तीसरा, माना यहां सीधा ही दिया गया है बेटा, तो x प्लस जीरो लिख दूं क्या, एक ही बात है, सीधा ही x दिया गया है, तो x बराबर क्या हो गया जीरो, x बराबर क्या हो गया जीरो, x बराबर सीधा ही x दिया गया है, इसका मतलब क्या हो गया जीरो। अब x का मान समीकरण किस में रखने पर, एक में रखने पर, जहां भी x है वहां क्या रख दिया जीरो, जीरो की पावर तीन, तीन इंटू जीरो की पावर दो, तीन इंटू जीरो प्लस वन, किसी संख्या को जीरो से गुणा करो, स्केयर करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जीरो ही आएगा। उत्तर कितना आ गया आपका एक, आपका आंसर कितना आ गया एक। अब देखिए आपका पांचवा प्रश्न इसी का, माना अब पाई आ गया ना, माना एक्स प्लस पाई इजिकल टू क्या आ गया जीरो, तो एक्स इजिकल टू कितना आ गया माइनस का पाई। अब x का मान रखने पर इसमें p ऑफ माइनस का पाई इज इक्वल टू, x का मान कितना आ गया माइनस पाई, इसमें मैं रख दूं, मैं x की जगह क्या रखूंगा माइनस पाई। अब देखना बेटा, माइनस पाई की पावर थ्री, जो लास्ट में बच रहा है ना, ये सारे शेषफल है, ये क्या था बेटा शेषफल, ये भी आपका क्या था शेषफल, यही तो प्रश्न पूछ रखा है, आपको ज्ञात क्या करना है शेषफल ही तो ज्ञात करना है। अब यहां देखो, प्लस तीन इंटू माइनस पाई की स्केयर और प्लस तीन इंटू माइनस पाई और प्लस का एक, माइनस पाई की पावर थ्री, क्योंकि पावर थ्री है तो माइनस का माइनस रहेगा, पावर दो है तो माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस, घात बेटा कभी भी देखना, घात सम में आ जाए ना तो माइनस का प्लस हो जाएगा, और विषम में रहता है तो माइनस का माइनस, ये मैं आपको क्लास में भी बहुत अच्छी तरीके से करवा चुका हूं, आपको पता है बेटा। अब देखिएगा, अब यहां आ गया थ्री पाई स्केयर
प्लस इंटू माइनस माइनस अभी लिखवाया है थ्री पाई और प्लस का वन, और यही आपका क्या है बेटा शेषफल। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, ये वाली विधि अच्छी है ना, आराम से दो तीन बार करना आप इन क्वेश्चनों को। अब लास्ट वाला देखना क्या है, लास्ट वाला तो आप खुद कर सकते हो। लास्ट वाला आपका है माना पांचवा, माना 5 प्लस 2x बराबर क्या है 0, तो 2x बराबर कितना आ गया बेटा माइनस 5, इधर ले गया तो प्लस है क्या हो गया माइनस, और x बराबर आ गया माइनस 5/2। अब x का मान इसमें आप रख दोगे, x का मान इसमें रख दोगे, और आने के बाद आप आंसर बताना भी इसका क्या आता है, कमेंट बॉक्स में डाल देना इसका आंसर क्या आता है। अगर नहीं आया तो आप मुझसे बोलना कमेंट में कि सर ये हमें नहीं आता, तो मैं रिपीट करवाऊंगा इसको, अच्छे से और करवाऊंगा। बाकी इजी से प्रश्न है बेटा, यहाँ 5 प्लस 2x बराबर 0 है ना, तो 2x बराबर माइनस 5, x बराबर माइनस 5/2। अब x का मान समीकरण एक में रखने पर आप हल तो कर ही सकते हो ना। अब मैं एक बार फिर से रिपीट करवाता हूँ, x की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को इनसे भाग देने पर शेषफल क्या बचता है। एक तो आपकी भाग विधि है, दूसरी विधि है आप इसी विधि से करना, बट पहला प्रश्न जो मैंने करवाया है ना उसको तो दोनों विधि से करना, और बाकी जो बच गए उसी को इसी विधि से करना। अब देखो माना x प्लस 1 बराबर हमने क्या लिया था 0, फिर x की वैल्यू कितनी रखी थी इधर गया तो माइनस 1, और माइनस 1 इसमें रख दिया तो आपकी वैल्यू कितनी आई थी शेषफल कितना आया 0, फिर यहाँ x माइनस 1/2 था तो इसको इधर ले गया तो कितना आ गया बेटा 1/2, 1/2 रखा आपने इसमें तो आपकी 27/8 आई, फिर सीधा ही x दिया गया तो x बराबर क्या रख लिया 0, फिर यहाँ माइनस 5 और यहाँ कितना आ गया आपका x बराबर माइनस 5/2, और आपका आंसर आ जाएगा। आपको 5 के 5 क्वेश्चन आज करने हैं, अच्छे से करने हैं, समझ में नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, बट आप बेटा काम रेगुलर किया करो, और जो प्रश्न नहीं आए ना वो कमेंट बॉक्स में डाल दिया करो। पीछे मैंने सुनेंग के बारे में बताया था, 5वां क्वेश्चन जस्ट आपको समझाया था, अगर आपको नहीं आया तो आप मुझसे बोलना कमेंट बॉक्स में डाल देना कि सर दोबारा कराओ तो मैं दोबारा करवा दूंगा। बाकी बिल्कुल इजी सा प्रश्न है, थैंक यू और कल करेंगे।